it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love. दोस्तों आज हम बनाएंगे होली के पर पर चावल के आटे के पापड़। तो मैंने ये चावल का आटा लिया है, ये मेरा मार्केट वाला आटा है, आप घर का भी आटा ले सकते हैं या फिर आप चावल भिगो के भी बना सकते हैं। तो मैंने ये एक कप लिया है और एक कढ़ाई ली है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। आटे को इसमें डाल दें और डालने के बाद जितना हमने आटा लिया था उसका 3 गुना पानी लेंगे, 1 कप, 2 कप और 3 कप। ऊपर मैंने पानी को पकड़ रखा है और साथ साथ इसको चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना पड़े, और थोड़ी बहुत अगर पड़ भी जाती है तो वो चलाते चलाते सारी गुठलियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो 3 कप मैंने पानी डाल दिया। जब भी आप पापड़ बनाएं इस तरह से तो जितना आप चावल का रेशियो लेते हैं उसका 3 गुना आप पानी लें, और डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम गैस पर इसको 10 मिनट तक इसको पकाना है। जितना ही अच्छे से पक जाएगा उतने ही पापड़ स्मूथ बनेंगे, अगर ये कच्चा रह जाएगा तो आपके पापड़ चटक जाएंगे। और देखिए लगातार चलाते हुए ये पानी को बिल्कुल सोख लिया है। अगर आपको लगे कि पानी हमारा कम है और ये बैटर पका नहीं है तो आप बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसमें पानी ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा और पकाना पड़ता है। और बिल्कुल अब ये परफेक्ट पक गया है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे छूने लायक। ये मैंने ली है पॉलोथीन, और ये सिंपल वाली पॉलोथीन है, अच्छे से मैंने धो के वॉश कर लिया है, और ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इस तेल को इस तरह से पूरे में पन्नी में अच्छे से लगा देंगे। आप अगर सरसों का तेल पसंद करते हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से पूरा मैंने चिकना कर लिया है। मैंने चावल के बैटर को कढ़ाई में से प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक आप ठंडा करने के बाद ही डालें, और नमक इसमें हल्का ही डालें, हल्का ही नमक इसमें टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। सभी चीजों को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने चम्मच से इस तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, और हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, चम्मच से ही ये मिक्स हो गया है। अब हमने थोड़ा सा ये रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको हम हाथों पे चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद मैंने ये पॉलोथीन ली है, इसको इस पे भी हल्का सा मैंने यही तेल लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा इसमें से डो उठाएंगे, और उठाने के बाद इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। पापड़ जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोई बनाएं। लोई बनाने के बाद इस पे रखेंगे, ये मैंने दूसरी पन्नी ली है तो इसको भी मैं हल्का सा चिकना कर लेती हूँ। और जिधर चिकना किया है उसी साइड से इसको रखना है। और रखने के बाद मैंने ये इस तरह का टिफिन लिया है, आप चाहे तो चकला ले सकते हैं, जो लकड़ी का चकला आता है उसको ले सकते हैं, या फिर जो भी फ्लैट भारी चीज है बेला होता है उसको भी ले सकते हैं। अब हम इससे हल्के हाथों से दबा देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है। ये मैंने दबा दिया है, और दबाने के बाद भी अगर आपको लगे कि ये पापड़ मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उंगली की मदद से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और आप इसको हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सामान नहीं है जिससे आप इसको दबा सकें तो इस तरह से आप इसको हाथों से भी बना दें, या फिर मैं अभी दूसरा पापड़ दिखाऊंगी, बेलन से भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा पापड़ बन गया है। अब हम इसको एक पॉलीथिन जो चिकनी करी थी ना उस पर डाल देंगे। तो ये वाली मैं हटा देती हूँ, और इसको लेके हम इस तरह से इसको डाल देंगे, हल्के हल्के से किनारियों को इस तरह करेंगे ताकि ये आराम से छूट जाए।
और देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोई रखें और यहीं के इस तरह से दबाते जाएं, लोइयां रखते जाएं, दबाते जाएं। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, मुझे ये तरीका आसान लगता है। तो चलते हैं अगला पापड़ बनाना है। देखिए अब मैं अगला पापड़ बना रही हूँ, तो उसी तरह से मैंने ये लोई बना ली है। और लोई बनाने के बाद पन्नी में एक बार तेल लगा लिया है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी इसको चिकना करने की। अगर जरूरत लगे तो आप दोबारा तेल लगा सकते हैं। और अभी मैं एक ही पन्नी पर बना रही हूँ, क्योंकि बीच में से मैं इसको फोल्ड करूंगी। और दूसरा पार्ट मैंने फोल्ड कर दिया है। और अभी मैंने इस तरह का ये केक टिन लिया है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, उससे मैं हल्के हाथों से दबा दूंगी। देखिए पापड़ बनके तैयार है, और इसको भी मैं डाल देती हूँ, और इसी तरह से मैं सारे पापड़ बाकी के बना लूंगी। तो दोस्तों देखिए हमारे सारे पापड़ बन चुके हैं। अभी मैंने इसको पंखे में डाल रखे हैं, तो ये पंखे में बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। अगर आपको लंबे समय तक इनको रखना है तो फिर बाद में एक दो दिन की धूप लगा सकते हैं। तो अब हम सूखने के बाद मिलते हैं आपसे। अब मैं ये चावल का पापड़ आपको सेक के दिखा रही हूँ। तो इसके लिए भी तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, और चारों तरफ आपको दबाते हुए सेकना है, और पलट लें इसको, केयरफुली सेकना है ताकि आपके हाथ पर ना जले। और देखिए ये अपने साइज से काफी बड़ा हो गया है। तो जो हमारे पापड़ टूट गए हैं, तो ये हमने दोबारा से बनाए थे, और निकालते समय इस तरह से किनारी पे लगा के रखें ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा पैन में ही झड़ जाएगा। तो इसी तरह से मैं आगे का और भी फ्राई कर लेती हूँ। इसको फ्राई करते टाइम तेल अच्छे से गरम करें, और गरम करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लें। उसके बाद आप सेकेंगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर भी जल जाते हैं और ज़्यादा लो फ्लेम पे भी अच्छे नहीं सिकते हैं। तो जो बिगड़ गए थे वो मैंने कल भी सेके थे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा उनका, तो थोड़े से मैं आज भी सेक लेती हूँ। तो कभी इस तरह से आपके पास घटना हो जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, ये सुखा के और खाने में यूज में आ जाते हैं। टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हर किसी के अच्छे बन जाए, कभी कभी कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैंने काफ़ी पापड़ सेके हैं, आलू के, चावल के। तो चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए, और इस होली पर अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप ट्राई करके ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।